अल्टीमेट्स, आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन एमरल्ड के एक और एपिसोड में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछले एपिसोड में हम लोग ने पकड़ लिया था ग्राउडोन को, द लेजेंडरी पोकेमॉन ऑफ होएन रीजन, तो हमने उसे पकड़ लिया। और आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं कायोगर को पकड़ने। पिछले एपिसोड में हम लोग इस जगह में आ गए थे और हमने एंड कर दिया था एपिसोड को, तो आज हम लोग यहीं से आगे जाने वाले हैं। और हाँ, एज मैं पिछले एपिसोड में भी कह रहा था और इस एपिसोड में भी कह रहा हूँ कि अगर आपको ग्राउडोन, देखो रेक्वाजा का लोकेशन एकदम फिक्स्ड है, स्काई पिलर में आपको रेक्वाजा मिल जाएगा, ठीक है, ये तो फिक्स्ड एकदम। लेकिन कायोगर और इसको क्या नाम है, ग्राउडोन को पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लोकेशन चेंज करना पड़ सकता है। और देखो यार, मुझे तो कहा गया है कि हमें पकड़ना है इसे कितना किसमें का रूट 105 में, लेकिन हो सकता है कि आपको कहे कि कुछ दूसरे रूट में जाओ, कहीं और जाओ, ऐसा वैसा, तो आपको हो सकता है जाना पड़े, ठीक है। तो आप उसके लिए आप गूगल पे सर्च करना, अगर आपको कहते हैं रूट 110 फॉर एग्जांपल, तो आप रूट 110 गूगल पे सर्च करना। अगर आपको रूट 105 ही कहते हैं कायोगर के लिए, तो आप ये वीडियो को फॉलो कर सकते हो। अगर आप एकदम सेम रूट्स कहते हैं जैसे मुझे कहा इन्होंने, तो आप उस हालात में आप फॉलो कर सकते हो। तो उस हालात में आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, वरना आप चले जाना गूगल पे और सर्च कर लेना। फॉर एग्जांपल रूट 110 कहा, तो आप सर्च करना रूट 110 कायोगर लोकेशन पोकेमॉन एमरल्ड, तो आपको मिल जाएगा विकिपीडिया में, आई गेस विकिपीडिया कहीं भी मिल जाएगा, गूगल में बस सर्च करना आपको मिल जाएगा। ओके गाइज, सो अब हम बैटल करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं कायोगर को। सो मैं गेम को सेव कर लेता हूँ और कायोगर के लिए आई थिंक मेरे पास एक स्ट्रेटजी है। मैं फ्लो को ही आगे रखूँगा और फ्लो को ही भेजूँगा। तो चलो गाइस, चलते हैं और पकड़ते हैं कायोगर भैया को। ओके गाइस, सो कायोगर लेवल 70 का है। एज मैंने कहा था पिछले एपिसोड में ग्राउडोन को देखने के बाद कि सारे वेदर ट्रियो के मेंबर्स लेवल 70 के ही होंगे, और हाँ लेवल 70 के ही है। सो मैं यूज़ करूँगा हिप्नोसिस। अटैक मिस हो गया, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। डबल एज भाई भाई भाई, सोचा बहुत सही, थंडर बोल्ट खा, एक और थंडर बोल्ट। ओ भाई, जाग गया इतना जल्दी, ये तो भाई तुमने गलत कर दिया। अच्छा ये भी सो सकता है, ओके रॉक चॉम आयरन टेल नहीं काम करेगा। अच्छा गॉन को बेचते हैं। ओ भाई 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 भाई, डोज आइस बीम काम करेगा, हाइपर बीम काम कर सकता है, मे बी हाइपर बीम। स्टॉर्म को बेचते हैं। अरे भाई भाई भाई, ये तो गलत हो गया। सो गाइज, मैं कहता हूँ हमेशा कि हाँ, मिलते हैं हम जब हम कायोगर को पकड़ ले उसके बाद, ठीक है। तो जब मैं पकड़ लूँ कायोगर को उसके बाद ही मिलेंगे, ठीक है। तो या गाइज टाइम लगेगा, सो मिलते हैं। ओह शिट गाइज, शिट, देखो क्या हुआ गाइज। मुझे यकीन नहीं हो रहा गाइज, कायोगर खुद सो गया, ठीक है, खुद सोया वो अपने मतलब एचपी को बढ़ाने के लिए सोता है, जैसे ग्राउडन सोता था वैसे ही। तो एचपी को बढ़ाने के लिए कायोगर खुद सोया, और जैसे ही मतलब उसका एचपी फुल था, लेकिन बस सोया था वो, और बस मैंने अल्ट्रा बॉल फेंका और मैंने उसे पकड़ लिया। यार ये लक अच्छा था मेरा, तो हो गया। हो सकता है आपको कुछ टाइम लग जाए, 1-2 साल, 3-4 साल लग जाए आपको पकड़ने में, लेकिन हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लग गया 1-2 मिनट, लेकिन आपको 3-4 साल लग सकता है, वो सब देख लेना, ठीक है। सो गाइस, हमने कायोगर को पकड़ लिया और इसी के साथ हमने वेदर ट्रियो को पकड़ लिया है। तो ये एक सी बेसिन पोकेमॉन है। इट हैज अपीयर्ड इन माइथोलॉजी एज द क्रिएटर ऑफ द सी। आफ्टर लॉन्ग इयर्स ऑफ फ्यूडिंग विद ग्राउडोन, इट टुक टू स्लीप एट द बॉटम ऑफ द सी। सो यस, हमने पकड़ लिया है कायोगर, और हमने कायोगर, ग्राउडोन, रेक्वाजा यानी कि वेदर ट्रियो को पकड़ लिया है। तो अब बस एक लेजेंडरी पोकेमॉन बचा है जिसको हम विदाउट चीट पकड़ सकते हैं। बाकी के लिए आपको चीट्स यूज़ करना पड़ सकता है, तो डेफिनेटली यार मैं तो चीट वगैरह यूज़ नहीं करने वाला, गेम ख़राब हो जाता है यार उससे। हाँ अगर आपके पास पीसी है तो आप डेफिनेटली यूज़ करो। अच्छा तो हम यहाँ पे फ्लाई यूज़ नहीं कर सकते, ओके। अरे चलो, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। आई गेस यहाँ से, हाँ
ओके तो यहाँ पे देखो वेदर भी क्लियर हो गया, जैसे हमने पकड़ लिया उसे, जैसे उसके साथ हुआ था ग्राउडन के केस में हुआ था, बहुत सनी हो गया था वेदर, लेकिन जब हमने उसे पकड़ लिया तब सब कुछ नॉर्मल हो गया है ना, तो वैसे ही होता है। अबे हील कर लो, फास्ट फॉरवर्ड में यार बहुत दिक्कत होता है कभी कभी। ओके चलो वापस जाते हैं और बात करते हैं, अगर देखते हैं अगर वो कुछ कह पाता है कि लैटियाज को हम पकड़ना है हमें, लैटियाज रेड कलर वाला जो होता है, तो एबनॉर्मल वेदर कंडीशन सर नॉर्मल द क्वेश्चन एंड फर्स्ट ब्लेसिंग हिल। अच्छा तो ये नहीं बता सकता कि हमें कहाँ पकड़ना है, सो हमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ओशन रूट्स में और सर्फ करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ओशन डेफिनेटली मैं जाऊँगा इस एरिया में, मोजडिप सिटी में, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सर्फ वर्फ करना पड़ेगा, ठीक है। विंगल टेंटाकूल 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 विंगल। अरे सो गाइस मैं एक बार एनकाउंटर कर लेता हूँ उसको, क्या नाम है, लैटियास को, अगर मुझे एनकाउंटर होता है तो, ठीक है एक बार देख लेते हैं ना। इधर मुझे लगता नहीं एनकाउंटर होगा आसानी से, आई डोंट थिंक एनकाउंटर होने वाला है यार। सो एक काम कर सकते हैं हम, गॉन को लेके जाएंगे हम, मे बी अपने जो मेरा जो घर है, कहाँ पे मेरा घर, ये रहा ये ना, नहीं ये नहीं है, कहाँ है यार मेरा घर, फैलाबोर टाउन नहीं, लिटिल रूट टाउन, हाँ ये रहा। ओके सो मेरा घर आई गेस, हाँ ये रहा, तो हमें टीवी में एक बार चेक कर लेना चाहिए, अगर इन सर्च ऑफ ट्रेनर्स विजिटिंग ट्राइंग टू स्पॉट इंटरेस्ट। अच्छा ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ओके अच्छा एनीवेज तो यहाँ देखते हैं, इधर तो टीवी बंद है इनका, एमुलेट कॉइन, एमुलेट कॉइन क्या होता है, अच्छा एमुलेट कॉइन शायद से वो बढ़ सकता है EXP वगैरह, आई मीन पैसा बढ़ सकता है। सो गाइज मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गूगल में कि कहाँ पे मिलता है हमें लैटियोज, एक मिनट। तो अबे यार फोन ही इतना हैंग कर रहा है, सो उतना देखो मुझे लगता नहीं कि उतना हार्ड होगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक मिनट पोकेडेक्स में एक बार चेक कर लेता हूँ, पोकेडेक्स में अगर हमें लैटियोस का नाम दिखता है, मुझे लगता नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही पोकेमोन्स होते हैं जो हमने कभी देखा है, अगर यहाँ पे हमें दिख जाता है तो हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें मिलने वाला है। आना सो ये सब बस वही पोकेमोन से जो हमने आज तक अपने इस जर्नी में देखा है। ओके 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 ना 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 इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, लेटियोज लेटियोज अबे ओके सो आई डोंट थिंक इधर हमें मिलेगा, मैं गूगल में चेक करना पड़ेगा। ओके सो गाइज एक बार मैं थोड़ा टाइम लग सकता है चेक करने में, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सो या गाइज मिलते हैं। यो गाइज सो ये मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ, एक मिनट मुझे गेम का साउंड थोड़ा कम करने दो। ओके हाँ सो ये रिकॉर्डिंग मैं बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मतलब हो सकता है आपने इससे पहले देखा हो
कि मैं लैटियास को ढूंढने का बात कर रहा हूँ और गूगल में सर्च करने का बात कर रहा हूँ ऐसा। तो देखो मैंने ट्राई किया लैटियास को ढूंढने का, काफ़ी मुझे ट्रिक्स मिले और वो ट्रिक्स अच्छे थे यार। देखो आप चाहो तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का, कुछ साइट्स का जहाँ पे आप कर सकते हो। हाँ पूछ पूछ लेना मुझसे कमेंट्स में अगर हाँ चाहिए, बहुत लोग को चाहिए अगर लैटियास को पकड़ना है आपको, तो मैं कोई ट्रस्टेड लिंक, ट्रस्टेड वीडियो, ट्रस्टेड कुछ साइट्स का प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लैटियास को ना पकड़ूँ क्योंकि यार देखो गेम एंड हो रहा है ना, तो एंड हो रहा है सो लैटियास को पकड़ के कोई फ़ायदा है भी नहीं। हाँ अगर हम एनकाउंटर कर लेते हैं उसको आगे फर्दर एपिसोड्स में, आई गेस और कुछ एपिसोड्स बनेंगे उसके बाद गेम एंड हो जाएगा क्योंकि और तो लेजेंडरीज बच्चे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ काम करना है वो हम कर लेंगे फर्दर एपिसोड्स में। सो अगर मुझे उसमें लैटियास एनकाउंटर हो जाता है तो मैं डेफिनेटली उसे पकड़ लूँगा है ना, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं लैटियास को पकड़ने का प्लान ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन अगर आपको चाहिए, अगर आपको पकड़ना है लैटियास को, सो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू कैच लैटियास, हाउ टू कैच लैटियोज। लैटियोज के लिए भले ही आपको चीट यूज़ करना पड़ेगा, कोई एक पोकेमोन के लिए आपको चीट यूज़ करना ही पड़ेगा। आप सर्च कर सकते हो, अगर आपने रेड चूज़ किया था जब हमारी मॉम ने पूछा था रेड और ब्लू, तो अगर आपने ब्लू चूज़ किया तो आप वो ब्लू वाले लैटियोज को पकड़ सकते हो, अगर आपने रेड चूज़ किया तो आप रेड वाले लैटियास को पकड़ सकते हो। ठीक है सो आपके ऊपर है, आपने जो उस टाइम चूज़ किया वही डिसीजन बाद में आपका काम आएगा। एक ही पोकेमोन को पकड़ सकते हो, यानी आपने अगर आपको लैटियास चाहिए तो आपको लैटियास ही मिलेगा, लैटियोज नहीं मिलेगा उसके लिए आप चीट यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप फ़ोन पे खेल रहे हो तो पीसी में आप यूज़ कर सकते हो, फ़ोन पे शायद काम करेगा भी नहीं, आई डोंट थिंक काम करेगा, बट आप ट्राई कर सकते हो, गेम को सेव कर लेना, बैकअप बना लेना, तब आप कर सकते हो ठीक है चीट वगैरह यूज़। सो गाइज बस इस एपिसोड में इतना ही, यहाँ पे देखो मैं सो रहा हूँ, सो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या करना है हमें। अगर आपके पास कुछ भी टिप्स है नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्या क्या करना है हमें, वेल एपिसोड या कहूँ मैं सीरीज़ ही एंड होने वाला है। सो हाँ बस इतना ही था इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैंने आज कायोगर को पकड़ लिया, हमने लेजेंडरी ट्रियो को पकड़ लिया, यानी होइन के सभी मेन लेजेंडरीज को पकड़ लिया है। सो या फर्दर एपिसोड्स में देखते लैटियास का क्या करना है। सो बस आज के लिए तो इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, डू टेक केयर।